Good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाई फाई स्टडी पे. नाउ वाई फाई स्टडी हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर एकेडमी. चले तो एसएससी सीजीएल की क्लास है, शाम को बच चुके हैं 6, ठीक है ना. एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड आ रही है बच्चों की, बहुत बार बार डिमांड करें कि सर एक टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है, और वो टाइप के क्वेश्चंस कौन है, वो है आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के. बहुत बच्चों का कमेंट्स पढ़ा मैंने, 3-4 दिन पेपर हुआ, 3-4 दिन खूब कमेंट पढ़ा, बार बार सर आर्टिकल वाला वीडियो करा दीजिए, प्लीज आर्टिकल वाला वीडियो करा दीजिए, आर्टिकल्स क्वेश्चंस आ रहे हैं. और मुझे भी लगा कि हाँ साहब बात तो सही है, आर्टिकल्स ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो मैं काम करता हूं कि मैं आर्टिकल का पूरा जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उस स्लाइड बना के लेकर आ गया हूं, है ना. और उस स्लाइड को मैं आपके सामने लगा दूंगा. करीब 80-85 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, 395 आर्टिकल्स याद करना इम्पॉसिबल है. मैं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स मैंने इतने याद नहीं किए, करीब 100-150 मैंने याद किए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से करीब 80-90 याद कर लेंगे तो काफ़ी है. क्लियर है? तो चलिए, ये जो क्लास है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की क्लास है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है संविधान के, वो सब कंप्लीट कर लेंगे आज हम, ठीक है ना. और ये जो क्लास है सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस रेलवे एनटीपीसी जेई एएलपी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा फेसबुक में. क्लियर है? अब देखो एक चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि ये क्लास है 30 मिनट की, और 30 मिनट की क्लास में पूरे आर्टिकल्स होना इंपॉसिबल है. तो मैंने क्या किया है कि इसको दो पार्ट में कर दिया है. ये क्लास दो पार्ट में होगी. पहला पार्ट आज होगा शाम को 6 बजे सीजीएल वाली क्लास में, और ठीक 2 घंटे के बाद मतलब 8 बजे इसका दूसरा पार्ट होगा, जहां पर बचे हुए आर्टिकल्स करेंगे. क्लियर बात है? अभी 6 बज चुके हैं, अभी हम करेंगे 30-35-40 आर्टिकल्स अभी कर लेंगे, और उसके बाद में शाम को 8 बजे हम करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का बचा हुआ सेकंड पार्ट. जो बच्चा दोनों क्लास देखेगा वो उसका आराम से पूरा आर्टिकल फिनिश जाएगा. सीजीएल वाली क्लास शाम को 6 बजे और सीएचएसएल वाली क्लास शाम को 8 बजे, आज मतलब सोमवार को, मंडे को 10 तारीख को, 10 जून को उसका फिनिश जाएगा. क्लियर? चलिए फिर समय बात नहीं करते, सीधे मुद्दे की बात करते हैं. अब मुद्दे की बात ये देखेगा, देखिए पहला क्या लिखा है. पहला लिखा है कि आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है. आर्टिकल नंबर 1 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन. याद रखना इंडिया को यूनियन कहा गया. क्या कहा गया इंडिया को? यूनियन. तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है कि इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, और संघ का नाम क्या है. संघ का नाम है भारत, हिंदुस्तान. संघ का नाम है इंडिया एंड भारत, ये लिखा गया है संविधान में, है ना. हिंदुस्तान वर्ड नहीं लिखा गया है, इंडिया और भारत लिखा गया है, और राज्यों के बारे में बताया गया है. सेम लगभग इसी नेचर का हमारी अनुसूची 1 है. आपको मालूम है टोटल 12 अनुसूचियां हैं. कितनी है टोटल? 12 अनुसूचियां हैं. फटाक से एक मिनट लगेगा. ये लो, ये गया और ये गया, 12 अनुसूचियां, ये चुटकी में ले लीजिए. पहली अनुसूची बोलती है कि 29 राज्य होंगे और 7 केंद्र शासित प्रदेश होंगे. मतलब 29 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम के बारे में है. सेम जैसा कि आपका आर्टिकल 1 बोल रहा है, लगभग सेम नेचर का है. आर्टिकल 1 और अनुसूची 1 लगभग सेम नेचर की है. क्लियर? चलिए दूसरी जो अनुसूची है, दूसरा शेड्यूल है, क्या बोलता है? दुबे, मतलब दूसरा और वेतन. दूसरा और इससे हो जाएगा वेतन. वेतन मतलब पेमेंट, सैलरी. तो दूसरा जो अनुसूची है, शेड्यूल है, वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में, उनके वेतन के बारे में, उनके सैलरी के बारे में बात करता है. क्लियर है? चलिए जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची क्या बोलती है, तीसरा शेड्यूल क्या बोलता है? तो तीसरा शेड्यूल बोलता है तीसरा, ऐसा लिख दो, तीसरा लिख दो. अगर तीसरा आपने लिख दिया तो इस 30 से हो जाएगा 3 और 7 से हो जाएगा शपथ. शपथ, हालांकि शपथ ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमने याद करने के लिए इसको ऐसे ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है. शपथ, हम हिंदी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जी के याद कर रहे हैं, ठीक है ना. तो 30 से हो जाएगा तीसरा, 7 से हो जाएगा शपथ तीसरा, ठीक है. चलिए क्लियर है? 3 हो गए, 3 शेड्यूल हो गए. चलो चौथा शेड्यूल कर लो जल्दी से. फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है? फोर्थ शेड्यूल बोलता है चौरी चौरा. क्या नाम था? चौरी चौरा एक घटना हुई थी, आपको मालूम है. और चौरी चौरा अगर याद है तो चौ से हो जाएगा चौथा, चौथा मतलब 4, और रा से हो जाएगा राज्यसभा. क्या हो जाएगा? राज्यसभा.
क्लियर है। तो जो चौथा शेड्यूल है वो राज्यसभा के बारे में बात करता है। क्लियर, क्वेश्चन पूछा है अभी, अभी आपसे दसवां पूछा था, ग्यारहवां पूछा था, ये भी पूछ सकता है, याद रखना शेड्यूल से क्वेश्चन पक्का है। अब आता है पांचवां शेड्यूल और छठवां शेड्यूल, दोनों के दोनों जो है पांचवां और छठवां जो है वो आपका ट्राइबल एरियाज के बारे में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात करता है। उसको याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है कि सिक्स वाले में चार राज्यों का नाम मेंशन किया गया है, जो छठवीं अनुसूची है उसमें चार राज्यों का नाम मेंशन किया गया है, चार राज्यों के बारे में बताया गया है। आ से हो जाएगा क्या, असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा और मेघा से मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय चार राज्य हो जाएंगे। चारों राज्यों के बारे में किसमें बोला गया है, छठवीं में, याद रखना। पांचवीं छठवीं में बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि सर अनुसूचित जाति ट्राइबल एरिया से तो दोनों हैं, कौन सा टिक करें। मैंने बोला सिंपल एक बात है, अगर चार राज्यों में से चार राज्य का किसी भी एक राज्य का नाम आ जाए, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अमित मेघा, तो कुछ मत करना, सिक्स टिक कर देना। और अगर चारों राज्यों में से किसी का नाम आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है तो फिर आप पांचवा टिक कर देना। बात क्लियर है, बात क्लियर, चलिए ये हो गया। चलिए अब आती है सातवीं, छठ छः हो गई, सातवीं अनुसूची, सात, सात मतलब सेवंथ। याद करने का तरीका सिंपल है, याद कैसे करना है, याद करना है सासू, सासू, सासू के साथ करोगे, सासू से क्या हो जाएगा, सा से हो जाएगा सात और सू से हो जाएगा सूची, सूची मतलब लिस्ट। आपको मालूम है तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। क्लियर है, चलिए अब आती है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है जी, आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात की गई है, लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। तो याद करने का तरीका क्या है, आभा, क्या है, आभा, आ से हो जाएगा आठ और भाष्य हो जाएगा भाषा मतलब लैंग्वेज। क्लियर है, डन है। चलिए अब आता है नौवीं अनुसूची। आपको मालूम है जो नौवीं अनुसूची है, नौवीं अनुसूची में क्या बात की गई है, नौवीं अनुसूची में बात की गई है आपके कि अगर कोई कानून बनाकर नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट है उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, देख रेख बोलते हैं, इंटरफेयर बोलते हैं, है ना, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हालांकि जुडिशियल पॉजिटिव इंटरफेयर करती है फिर भी रखा गया है। ठीक है, ये हो गया नौवीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची क्या होती है, जो दसवीं अनुसूची होती है, दसवीं जो दसवीं अनुसूची होती है तो दसवीं से क्या हो जाएगा, दस से हो जाएगा दसवीं और दूसरे वाले दस से हो जाएगा क्या आपका, दल बदल। ठीक है, तो अगर दा वर्ड आ गया है, दा वर्ड तो दसवीं, क्लियर है, और दस से दल बदल भी हो जाएगा। तो दसवीं अनुसूची में दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। जो ग्यारहवीं अनुसूची है, ग्यारहवीं अनुसूची में क्या बताया गया है, इसमें आपका पंचायती राजों के बारे में बताया गया है। इस बारे में पंचायती राज आपके रूरल बॉडीज के बारे में, जो रूरल बॉडीज होती हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। और इसको संविधान में कब जोड़ा गया था, 73rd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, और दल बदल को जोड़ा गया था 52nd अमेंडमेंट में 1985 में, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर है, चलिए और लास्ट वाली अनुसूची आती है बारहवीं, जिसमें आपका अर्बन बॉडीज के बारे में बात किया गया है। जो आपका अर्बन बॉडीज होती हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम होती हैं, उनके बारे में बात किया गया है। क्लियर बात है, आसान खेल था। बारह अनुसूची मैंने मुश्किल से 2-3 मिनट लगा होगा बता दिया, यहां से क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया 74 अमेंडमेंट, ये हो गया 73rd, ये हो गया आपका 52nd अमेंडमेंट, और जो नौवीं अनुसूची थी वो हो गया पहला। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है कि आर्टिकल नंबर तीन, आर्टिकल नंबर तीन क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर थ्री बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, बोलता है कि नए राज्यों का निर्माण करना, किसी नए राज्य का निर्माण कर दिया, तेलंगाना का निर्माण कर दिया। क्वेश्चन पूछा था तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था, जून 2014 में, डेट जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कब हुआ था। ऑप्शन है 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, जल्दी बताइए कब हुआ था। ठीक है, चलिए तो नए राज्यों का निर्माण करना, वर्तमान राज्य के क्षेत्र में चेंजेस कर देना। आपको मालूम है पहले कि यूपी बड़ा था, फिर यूपी से नाम एरिया चेंज कर दिया, दूसरा राज्य निकाल दिया, एमपी बड़ा था, छत्तीसगढ़ सेपरेट अलग से कर दिया। ठीक है, तीसरा है सीमाओं और मौजूदा राज्य के नाम में परिवर्तन करना, सीमाएं छोटी बड़ी कर देना, होता है कई बार। और मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन करने का मतलब क्या होता है कि पहले नाम होता था उड़ीसा, अब क्या कर दिया, ओडिशा, उड़ीसा को ओडिशा कल कर दिया। ठीक है, चलिए ये है आपका आर्टिकल तीन में। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है आर्टिकल तीन, आर्टिकल 13। ठीक है,
आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है कि लॉ इन कंसेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को असंगत उनका अल्पीकरण करने की विधियों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब ये टेक्निकल भाषा लिखी है, आप बोलोगे भगवान क्या है ये, कैसा लिखा है, समझ नहीं आया। मैं हूँ तो समझने की दिक्कत नहीं है, जब मैं हूँ तो समझाने की जिम्मेवारी मेरी है, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 देख लेते हैं जल्दी से। आर्टिकल 12 बोलता है कि स्टेट की डेफिनेशन होगी, किसकी डेफिनेशन होगी, स्टेट की डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, मतलब राज्य की परिभाषा होगी। राज्य क्या है यहाँ पर, राज्य का मतलब यूपी एमपी छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से है, क्लियर है। क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछता है, यूपीएससी तक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, जब भी आर्टिकल 12 से क्वेश्चन पूछेगा एक क्वेश्चन है, क्या कि आर्टिकल 12 में क्या है, आप बोलोगे भैया डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, राज्य की परिभाषा है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, खत्म बात हो गई, ठीक है। आर्टिकल 13 बोलोगे तो आर्टिकल 13 क्या बोलोगे, आर्टिकल 13 बोलोगे भैया आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है और आर्टिकल 13 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, कानून की परिभाषा, कानून के बारे में बताया गया है कि कानून क्या होगा, विधि क्या होगी, कानून की परिभाषा, विधि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लॉ के बारे में बताया गया किसमें, आर्टिकल 13 में। और यहीं पर बताया गया है कि अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स काम करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या काम करता है, मान लीजिए ये कोई कानून बनाया गया है और ये है मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स, अब ये है ये इसको कानून को बना दिया लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अगर सामने आया तो गायब हो जाएगा, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत। अगर सोलर इक्लिप्स बोलोगे तो सूर्य ग्रहण, लूनर बोलोगे तो आपका क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई कानून फंडामेंटल बनाया गया है और वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है और वो फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू को कम कर रहा है तो वो कानून तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा अगर आपका फंडामेंटल राइट्स को बनाया जाता है, क्लियर है, याद रहेगा। फिर से बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 13 में बोला गया है किसके बारे में, कि अगर कोई कानून बनाया जाता है और वो फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू को कम कर रहा है, उसकी क्षमता को कम कर रहा है, उसकी पावर को कम कर रहा है तो फंडामेंटल राइट्स के सामने जैसे ही वो बनेगा वो तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इज सुप्रीम, फंडामेंटल राइट्स से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, स्पेशली हिंदुस्तान में, क्लियर बात है। चलिए एक ये हो गया। दूसरी बात आर्टिकल 13 में क्या की गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ की बात की गई है, सॉरी डेफिनेशन ऑफ लॉ की बात की गई है। डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या होता है, कानून की परिभाषा होती है। कानून की परिभाषा का मतलब कि अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने कोई बिल पास करके कानून बना दिया तो कानून कहलाएगा। आर्टिकल 2, 1, 2, 3 में प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस कानून कहलाएगा। आर्टिकल 2, 1, 3 में आपका गवर्नर का ऑर्डिनेंस भी कानून कहलाता है, क्लियर है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है EBL, क्या बोलता है EBL, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। आपको मालूम है कि कानून के समक्ष सभी समान होते हैं, कोई भी कानून से बढ़कर नहीं होता है। हाँ अपवाद है, प्रेसिडेंट को, राज्यपाल को थोड़ा लिबर्टी दी गई है, बड़ी पोस्ट होती है तो उनको थोड़ा सा रियायत दी गई है, ठीक है ना, वैसे किसी को रियायत नहीं दी जानी चाहिए लेकिन दी गई, ठीक है। आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 15 देख लेते हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 15 बोलता है, अच्छा यहाँ पर 16 लिखा है, 15 ही बता ही देता हूँ, 15 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में RRCSP के बारे में बताया गया है। RRCSP के बारे में क्या है, आपको मालूम है कि आर्टिकल 15 बोलता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, और भेदभाव किस पर नहीं होगा, पहला आर मतलब रिलीजन, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, दूसरा आर मतलब रेस, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तीसरा मतलब CC मतलब कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, S मतलब सेक्स के आधार पर मेल हो या फीमेल हो उस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और P मतलब प्लेस ऑफ बर्थ अर्थात कहां पर आपका जन्म हुआ है, कहां पर नहीं हुआ है, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, या बोलता है आर्टिकल 15। इसी पर एक मूवी आई है अभी आयुष्मान खुराना साहब की, ठीक है। चलिए आर्टिकल 16 क्या बोलता है, आर्टिकल 16 बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन यहां पर ओबीसी SC ST को थोड़ा सा रियायत दी गई है, थोड़ा सा लिबर्टी दी गई है, क्योंकि उनका जो सोशल पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है और शैक्षणिक जो पिछड़ापन है, उस कारण से यहां पर थोड़ा सा उनको रियायत दी गई है, और उसी रियायत को, उसी लिबर्टी को, उसी थोड़ा सा आप जो भी मान लीजिए लिबर्टी मान लीजिए जो भी मान लीजिए उसी को ही रिजर्वेशन कहा गया है। तो आर्टिकल 16 से निकल के आता है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट बोलता है आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 बोलता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। हमारे गांव में होता है, आपके गांव में होता होगा, छुआछूत मत करो, वो फलानी जात का, वो ढिकानी जात का, इसका छू दोगे तो ये हो जाएगा, छू दोगे तो नहाना पड़ेगा और फलाना करना पड़ेगा। फालतू बकवास बातें हैं, छुआछूत बकवास चीज होती है। मैं नहीं मानता छुआछूत और आपको भी नहीं मानना चाहिए। इंसान से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, इंसान से बढ़कर कोई जात नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। हाँ, गरीबी अमीरी आप मानते हैं, वो गरीब है बेचारा, मैंने देखा है कई लोगों को बोलते हैं अरे फलानी जात का हम उसको छुएंगे नहीं, अच्छा जी ठीक है, और उसी जात का कोई अधिकारी आ जाएगा उनके घर में तो तुलुलुलु कर देंगे उसको, भाई साहब बिल्कुल मतलब पैर पकड़ने भर को रह जाएगा साहब साहब करके। तो ये जो हिपोक्रेसी है गलत है, या कि फिर मत ही मानो, फिर मानो तो माना ही लो, ये चीज़ है ना, ये हिपोक्रेसी बहुत होती है। मतलब मैंने देखा है हमारे गांव में होते हैं महाराज जी टाइप का, जने वनों लगा के बैठते हैं साहब, वो बाहर नहीं खाएंगे, यहाँ पानी नहीं पियेंगे, जब गांव में जब आएंगे तो हम ये नहीं खाएंगे तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था कीजिए, और शहर में आएंगे तो सबसे पहले मुर्गा वही चबाते हैं। ये होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई अगर वीडियो देख लेगा दिक्कत जाएगी, बाबूजी फोन करके रात को ही गाली देंगे मेरे को, है अस्पृश्यता का उन्मूलन। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के पहले एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 भी याद कर लीजिएगा कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स मतलब उपाधियों का अंत, उपाधियां जो मिलती हैं महाराजा धीराज परम भट्टकारम ये वो दुनियादारी जो उपाधियां होती हैं ना, गिलास ला दीजिएगा गिलास, ठीक है ना, ठंडा पानी होता अच्छा है, ठीक है, तो मेरी डिमांड बढ़ती जाती है, पहले मैंने बोला गिलास ला देना, फिर ठंडा पानी ला देना, आवाज़ बढ़ गई है तो इस कारण थोड़ा सा और थोड़ा सिर दर्द दे रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल क्या है, जब ट्रैवल करोगे तो सिर दर्द तो देगा, आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों ट्रैवल किया मैंने, ठीक है, थोड़ी देर बाद मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है कि परम भट्टकारम महाराजा धीराजा फलाना ढिकाना जो है, ठीक है ना, तो ये उपाधियाँ जो होती है समाज में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन लाती है। अब एक हो गया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक है कि भैया एक लड़का आया है ना आईएएस अफीसर, बोले भाई रिंकू आया है, बोले रिंकू बैठो रिंकू, और एक है भाई जब कुछ नहीं होगा लेकिन नाम उसने बड़ा भाई साहब दोनों का परम भट्टकारम चिंटू तृतीय, तो वो चिंटू तृतीय परम भट्टकारम तो एक लगता डिस्क्रिमिनेशन से लगता था, और भी कुछ चीज़ें थी इस कारण से आर्टिकल्स में आपका अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, उपाधियों के अंत की बात की गई है, क्लियर। ये हो गया आपका आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और थोड़ा एक्सप्लेन करने के चक्कर में पहले उसके पहले ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। अब चलो मैं बोलता हूँ, देखो सिंपल सी कहानी है कि आर्टिकल 19 में कितने 7 आर्टिकल थे, पहले निकलो आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(b), 1(c), 1D, 1E, 1F, 1G। आप मैंने 19 लिखा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं कितना आलसी हूँ, ठीक है ना, बहुत आलसी हूँ, ठीक है। इस बार इसी बात को कई बार मैं स्मार्ट वर्क का नाम देता हूँ, कौन बार बार लिखे जब मुझे मालूम है कि आर्टिकल 19 नहीं सारे कर सकता, क्यों बार बार लिखूँ। चलो आर्टिकल 19(1)(a) क्या बोलता है, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोल सकते हैं, और जब बोल सकते हैं तो जो मीडिया की आज़ादी है ना वो आर्टिकल 19(1)(a) में ही आती है, मीडिया की आज़ादी, मीडिया बोल सकता है, ठीक है ना, लेकिन लिमिट में ना, ऐसा ना हो कि किसी को कुछ बोल पटांग बोल दो, जो कि कुछ लोग करते हैं जो गलत है उनको जेल जाना चाहिए। गलत बोलना गलत है, सो गलत है, दैट्स ऑल है, किसी भी पार्टी का बोले कोई भी व्यक्ति बोले गलत मतलब गलत, सीधी बात है। अगर मेरे पिताजी भी कई बार मेरे से बात करते हैं कि वो गलत सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए, या कोई ऐसा हमारे बीच में लॉजिक आता है जहां पर गलत होते हैं, मैं टोकता हूं, मुझे वो टोकते हैं, मैं वो टोकता हूं, इसी को ही बोलते हैं हिंदुस्तान, ठीक है ना। आर्टिकल 19(1)(b) क्या बोलता है, आर्टिकल 19(1)(b) बोलता है शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होना, आप किसी का विरोध करते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(c) क्या बोलता है, आर्टिकल 19(1)(c) बोलता है आपका क्या कि आप यूनियन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 19(1)(d) क्या बोलता है, आर्टिकल 19(1)(d) बोलता है कि आप संघ बनाने के बाद में आप ट्रेवल कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं, बोलने में भी लिमिटेशंस हैं, है ना, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज़ की खराब होती है। आर्टिकल 19(1)(b) क्या बोलता है, आर्टिकल 19(1)(b) बोलता है कि भाई आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होते हैं, अगर कर्फ्यू लगा तो आप नहीं इकट्ठा होंगे, मतलब उसमें लिमिटेशन है थोड़ा सा। आर्टिकल 19(1)(c) क्या बोलता है कि यूनियन बनाने का, उसमें भी लिमिटेशन रखा गया है, कहीं ऐसा ना हो राजनीति चालू हो जाए ऑफिस में। आर्टिकल 19(1)(d) क्या बोलता है कि आपका घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, लेकिन कई जगह देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर वो उस एरिया में मत जाने दो, लोगों को नहीं जाने देती सरकार, आपके ट्राइबल एरियाज होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जाने से रोकती है, दिक्कत हो जाती है। आर्टिकल 19(1)(e) क्या बोलता है कि आप निवास करने की स्वतंत्रता, निवास मतलब कहीं भी घर बना सकते हैं, जमीन है तो आराम से घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में आप घर नहीं खरीद सकते हैं, जमीन नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा
प्रॉब्लम है, आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पर कुछ एरियाज में प्रॉब्लम होती है, इस कारण से वहाँ पर नहीं खरीद सकते। और आर्टिकल 19(1)(f) को संविधान से हटा दिया गया है। अभी बता दूंगा क्यों, क्योंकि सेम क्वेश्चन आज सीजे ने पूछा था परसों के दिन, इस कारण से बताना पड़ेगा इसको स्पेशल तरीके से। और आर्टिकल 19(1)(g) बोलता है कि आपका व्यापार की स्वतंत्रता, मतलब भाई लाजमी स्वतंत्र जिंदगी जीना है तो रोजगार पैसा तो कमानी पड़ेगा, तो जो व्यापार की स्वतंत्रता है वो आपके आर्टिकल 19 में है। क्लियर बात है, हो गया। चलो अब आर्टिकल 19(1)(f) जो है, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को बता ही देता हूँ, फिर क्यों बेवजह खींचूँ इसको मैं। देखो आपको मालूम है कि आर्टिकल 19(1)(f) जो है इसमें पहले क्या था, इसमें था राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) में था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार था, और जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी इज माई फंडामेंटल राइट्स, है ना, संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो बाद में दिक्कत हो रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी वो भूल जाइए अभी, क्योंकि अभी डीप में मत जाइएगा, बस इतना जान लीजिए कि दिक्कत हो रही थी। और इस दिक्कत को दूर करने के लिए गिलास लगता है एक साल से नहीं धुली है, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए आप सरकार ने क्या किया कि 44 नंबर का अमेंडमेंट किया, 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया, मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को डिलीट करवा के और डाल दिया कहां पर, आर्टिकल 300A में। कहां पर डाल दिया, आर्टिकल 300A में, ठीक है। क्यों डाला बाद में बात करेंगे, यहां पर हमारा टारगेट आर्टिकल्स कंप्लीट करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 21 क्या बोलता है। आर्टिकल 21 बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। मतलब मुझे जिंदगी जीने का हक है, मुझसे सरकार वो छीन नहीं सकती है, मुझे जिंदगी जीने का हक है, मुझसे सरकार छीन नहीं सकती है। क्लियर बात है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा है। अगर आर्टिकल 21 देखते हैं तो एक दो बातें और जान लीजिए आर्टिकल 21 में, कि अगर मुझे जिंदगी जीने की स्वतंत्रता है तो जिंदगी कैसी होना चाहिए, गंदी होना चाहिए क्या, क्या खराब जिंदगी होना चाहिए, अच्छी जिंदगी होना चाहिए। और अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, पढ़ना पड़ेगा। जो इंसान पढ़ लेगा, सफलता का शॉर्टकट एक ही है, पढ़ाई। पैसा खूब कमाना है, करोड़ रुपए कमाना है, पढ़ लो, अरबपति बनना है, पढ़ लो। बिना पढ़े स्वर्ग नहीं मिलने वाला, सीधी सी बात, आपको पढ़ना पड़ेगा। तगड़ी पढ़ाई कीजिए, आप कुछ भी बन सकते हैं, है ना। आनंद मूवी में बोला ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जिसमें काबिलियत होगी वो राजा बनेगा। अगर राजा के बेटे में काबिलियत है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारा देश खड़ा है, वो राजा बनने के लिए तैयार है, ठीक है ना। ठीक है, चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, मोदी जी के पापा प्रधानमंत्री थे, हाँ ना, मम्मी प्रधानमंत्री थी उनकी, दादा दादी थे, नाना नानी थे, नहीं थे, IAS ऑफिसर के बेटे थे क्या वो, हैं अंबानी के बेटे थे क्या वो, नहीं ना, चाय वाले के बेटे थे, प्रधानमंत्री बन गए ना। तो बन अगर गए तो आप भी बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते। अगर वो आदमी प्रधानमंत्री बन सकता तो आप क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हो, आप बन सकते हो, मैं बन सकता हूँ, बस मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अब जिंदगी अगर जीना तो कैसे जीना पड़ेगा, एजुकेशन, एजुकेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर एजुकेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो फिर यही किया गया, और 86 नंबर का संविधान संशोधन किया गया। क्वेश्चन पूछा था परसों सीजीएल में कि किस अमेंडमेंट में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कंपलसरी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट CFC, कंपलसरी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की बात की गई है। ये बात की गई है आपका 86 संविधान संशोधन अधिनियम में। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कंपलसरी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की बात की गई है। क्लियर है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आर्टिकल 20 हो गया। अच्छा आर्टिकल 20 ही बताता हूँ, ये था आर्टिकल 21, ये आर्टिकल 21 था। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, आर्टिकल 20 बोलता है कि आपका जिंदगी के बारे में कि भाई अगर आप एक अपराध करते हो तो एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी, एक बात। दूसरा, आपने जिस टाइम पे गलत कार्य किया था, जो गलत कार्य किया था उस टाइम पे जो सजा थी उसी टाइम की सजा मिलेगी आपको। बाद में भले चाहे सजा की कानून बना के छोटा काम कर दे, नहीं, आपको जिस टाइम पे आपने गलत कार्य किया है सजा उसी टाइम के हिसाब से मिलेगी। अब वो बात दूसरी कि आपने बहुत ही गंदा वाला काम किया था तो सरकार कानून बना के बोलेगी भैया एक साल पहले से लागू होगा तो फिर आप भी उसे लपेटे में आओगे, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 20 बोलता है कि भाई जो काम किया है एक गलत कार्य के लिए एक बार सजा, एक, और दूसरा कि जिस टाइम पे गलत कार्य किया गया था सजा उसी टाइम के हिसाब से मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 22 को बोलता है। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आर्टिकल, ये 9 जो लिखा है ना, नंबर पॉइंट नंबर है, 9वां नंबर, 10वां नंबर, 11वां नंबर, ठीक है। आर्टिकल 21A इंपॉर्टेंट है, यही मैंने बात की थी अभी कि आर्टिकल 21A में क्या है, प्राथमिक शिक्षा अधिकार है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है। मतलब 86 अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, है ना, वाजपेयी आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने 86 नंबर का अमेंडमेंट करके 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की बात की थी। डन है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट चैप्टर होता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के पहले मैं बोलूंगा कि आप आर्टिकल एक काम करो, आर्टिकल 22 भी याद ही कर लो, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है कि गिरफ्तारी के संबंध में आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। गिरफ्तारी कैसे? कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो उसका रीजन बताना होगा, एक बात। दूसरा, अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आप अपने मनपसंद वकील से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी बात थी कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट जज के सामने पेश करना होगा कि साहब हमने इसको गिरफ्तार किया है। अगर पुलिस चाहती कि भैया हम जज साहब से बोले कि भैया हम इसको 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, वो जज के पास डिपेंड करता है कि जज उनको अलाउ करें या ना करें। अगर जज ने बोल दिया कि नहीं इनको आप अपने पास नहीं रखेंगे तो पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आर्टिकल 22, क्लियर। चलिए आर्टिकल 23 और 24 कर लीजिएगा। आर्टिकल 23 24 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 24 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 बोलता है कि मानव व्यापार जो होता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इंसान की खरीद फरोख्त होती है, बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। जो मानव व्यापार होता है मैंने देखा है, जैसे मर्दानी मूवी में आप देखा होगा, लड़कियों को बेचा जाता है, उनको सेक्स वर्क में डाला जाता है, लड़कों को भी सेक्स वर्क में डाला जाने लगा है आजकल, उसके बाद उनसे भीख मंगवाई जाती है और पता नहीं क्या क्या है, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस दुनिया में क्या है, कई बार मुझे लगता है कई बार तो मुझे इंसान होने में ही शर्म आती भाई। जो होता है ट्विंकल के साथ हो या चाहे आसिफा के साथ हो, बेटी बेटी होती है, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, ध्यान रखेगा, ठीक है। वो हिंदू की बेटी मुसलमान की बेटी होने के बाद थी, उसके पहले क्या थी वो? उसके पहले वो हिंदुस्तानी थी और उसके भी पहले इंसान थी। इंसान चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कहीं का हो, इंसानियत से बढ़कर के कोई देश नहीं होता, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। अगर किसी साथ गलत होता है तो आपको खड़े होना चाहिए, वो चाहे आसिफा हो चाहे ट्विंकल हो, याद रखना। इसको आप जाति धर्म में मत बांटो, राजनेता बांटने की कोशिश करते हैं, आप उसे मत पड़ो चक्कर में। गलत हुआ है, कल ट्विंकल के साथ हुआ है, कल किसी रिंकी के साथ होगा, कल किसी चिंकी के साथ होगा, किसी के साथ ही हो सकता है। कल वो आपकी बहन हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है, मेरी माँ हो सकती है, याद रखना। जब अपने ऊपर आएगी ना तब समझ में आएगा। इस कारण से राजनीति मत कीजिए, किसी भी चीज़ में न्याय मिलना चाहिए और कानून के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। इमोशनल मत हो जाओ कि उसको खड़े करके जला दो। कानून हमारे देश में है और कानून से बढ़कर कोई भी देश में नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन बोलता है, कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है कि कानून से बढ़कर के कोई नहीं है देश में, सबको बराबर सजा मिलेगी, याद रखना। अगर मतलब एग्जांपल नहीं दूंगा, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे को सजा मिली है कि मुख्यमंत्री और रेल मिनिस्टर रहे हैं, इस टाइम पे जेल में सड़ रहे हैं। गलत कार्य करोगे तो जेल में जाओगे, चाहे कोई भी हो आप, ठीक है। चले तो 23 क्लियर हो गया कि आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं और आपका उनसे आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते हैं। फोर्स्ड लेबर होती है ना, कि मैंने देखा है कई बार दिल्ली में ऐसे न्यूज आती है कि किसी झारखंड से, हरियाणा से, गरीब एरिया से किसी को उठा के ले गए थे, 2 बच्चों को या 2 लड़कों को, और वहाँ पर घर में दिन भर काम कराते थे मजदूरों जैसा, रात को एक कात रोटी दे दी नहीं तो नहीं, वो जो कि गलत है। और आर्टिकल 24 क्या बोलता है? आर्टिकल 24 बोलता है कि भैया 14 वर्ष तक के बच्चों को, कितने, 0 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को आप रिस्की काम हो गए, जैसे इंडस्ट्रीज वाले हो गए, पटाखा बनाना हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, ये सारे के सारे जगह में काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और लाजमी सी बात है, आर्टिकल 24 अगर बोलता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को आप रिस्की काम में नहीं पार्टिसिपेट करा सकते हैं, और तो 14 वर्ष तक के बच्चों को आर्टिकल 21 में ऑलरेडी बोला ही गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कंपलसरी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होगी। तो दोनों बिल्कुल सेम नेचर के दिखाई देते हैं, दोनों बच्चों की ही बात करते हैं, क्लियर है। अब एक बात आती है कि साहब मान लीजिए किसी दुकानदार कोई है, अब वर्मा जी हैं, वर्मा जी दिन भर सुबह से 7 बजे से बैठे हैं ऑफिस में, दुकान में अपने, अब उनका बेटा आया 12 बजे, अब वर्मा जी को खाना खाने जा रहा था, वर्मा जी बोले बेटा बैठ, बिकी 10 मिनट बैठ, आधे घंटे में खाना खा के आता हूँ। अब आधे घंटे में खाना खा के इतने पहुँच गई पुलिस, तो फिर तो वर्मा जी गए नहीं, ऐसा नहीं है। घर में 2-4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि पता चला भाई मैं भी लड़का हूँ, मैं भी बचपन में जल था तो मुझे बाबूजी मेरे भेजते थे भाई, खेत भेजते थे, टिफिन लेके जाया करता था, मैं नई नई साइकिल सीखी थी तो हमारे यहाँ पे मजदूर कम करते थे, करीब 30-35 टिफिन लेके जाता था डेली 30-35 खाना हमारे यहाँ डेली बनता है, तो 30-35 टिफिन लेके जाता था, और ऐसा कोई पुलिस वाला पकड़ लेता तो बोलता था चाइल्ड लेबर करा देश से, ऐसा नहीं, घर के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आता है कौन सा आपका 23 हो गया, 24 हो गया, 23-24 हो गया, तो 25 मैंने बताया नहीं, बताओ इतना बोलता हूं मैं। 25 क्या है जी? 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन। क्या बोलता है कि आप किसी भी धर्म के अगर हैं तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्या है ये? देखिए आर्टिकल 25 रिलीजन की बात करता है, आपको स्वतंत्रता देता है। अगर मैं हिंदू धर्म का हूँ, बिल्कुल हाँ ठीक है, तो अगर मैं हिंदू धर्म का हूँ, अगर मुस्लिम धर्म का हूँ, मैं हिंदू धर्म का हूँ मान लीजिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं टीका लगा सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हाथ में बांधा है,
लाल कलर का धागा वैष्णो देवी का बिल्कुल बांधा है, है ना। मैं चोटी रख सकता हूँ, हमारे हिंदू धर्म में रखते हैं, मेरे यहाँ पर जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ भी पहन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पहनता भी हूँ मैं, और सब चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इतना ज़्यादा करना चालू कर दूं कि लोगों को दिक्कत हो। अब मैं हिंदू हूं तो भाई पूजा करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, बिल्कुल करता हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर अगरबत्ती जला दूं पूरे ऑफिस में आकर धुआं धक कर दूं, पूरा गड़बड़ है। अगर मुस्लिम हूं तो ऐसा भी नहीं कि चलो नमाज घर में पढ़ता हूं, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं कि मीटिंग चल रही है एकदम से, और मीटिंग चलते चलते मान लो कोई डॉक्टर मुस्लिम है और मीटिंग चलते ऑपरेशन कर रहा है एकदम से नमाज का टाइम हो गया, छोड़ के बोलो नमाज। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, सारे के लिए सेम है कि एक लिमिट में हर चीज़। धर्म को मानिए, उनका आचरण कीजिए, आपका रिलीजन है, आपका देश है, सब कीजिए, लेकिन एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि बस चले मैं डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन करने वाला हूँ और ऑपरेशन कर रहा हूँ और बज गया सात, एकदम से मंदिर की घंटी सुनाई दी, मैं चल दिया उसको छोड़ के, भैया मैं तो जा रहा पूजा करने। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आर्टिकल 25 क्लियर होगा। चलिए आर्टिकल 25 के बाद में आर्टिकल 30 कर लीजिएगा। आर्टिकल 30 के पहले एक और चीज कर लीजिएगा, आर्टिकल 29 कर लीजिएगा। आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 29 क्या बोलता है? आर्टिकल 29 बोलता है कि जो माइनॉरिटीज होती हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनके राइट्स के बारे में बोला गया है। आपको मालूम है आर्टिकल 29 जो है ना, वो थोड़ा सा आर्टिकल 25 का टेस्ट देता है मुझे। मतलब होता है ना चाय और कॉफी वाला टेस्ट लगता है मेरे को। कैसे? आर्टिकल 25 बात करता है रिलीजन के बारे में कि आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, और लगभग उसी नेचर का लगता है आपको आर्टिकल 29। बस आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज की बात करता है और आर्टिकल 25 रिलीजन की बात करता है, दैट्स ऑल है, कुछ नहीं। क्लियर ना? तो आर्टिकल 25 बोलता था रिलीजन के बारे में, आर्टिकल 29 सेम बात है आपके अल्पसंख्यकों अर्थात माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। वो चाहें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बना सकते हैं अपने लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? चलिए ये हो गया आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो आर्टिकल 31 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल 31 के बाद आर्टिकल 32 आते हैं। 31 को हटा दिया गया है, अगर जो भी लिखा हुआ था उसको भूल जाना सब कुछ, ठीक है ना। अभी पिछले साड़ी में जो लिखा था ना, इतना लोड क्यों लेते हो, इसको भूल जाइए, ठीक है, नहीं पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए आर्टिकल 32 कर लेते हैं। ये बोलता है क्या आपका, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट के बारे में बात की गई है। आपको मालूम है 5 रिट जारी की जाती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होता है 5 रिट जारी करता है। 5 रिट के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, एक और वीडियो बना दूंगा, आप बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये रिट इंपॉर्टेंट है। पांचों की पांचों रिट क्या होती हैं, इन पांचों रिट के बारे में मैंने सीडीएस वाली जो क्लास है ना वहां पर एक्सप्लेन किया था, 15-20 मिनट लगा था उसमें। सीडीएस वाली क्लास में मैंने 5 की पांचों रिट का नाम और क्यों क्यों लाया था, हैबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडमस क्या होता है, ठीक है ना, सारा का सारा बताया था। प्रोहिबिशन क्या होता है, को वारंटो क्या होता है, सर्टरी क्या होता है, पांचों के पांचों रिट मैंने बताई थी, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर लगता कि नहीं सर प्लीज 5 रिट का एक वीडियो बना दीजिए, तो फिर काम करना, वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। मुझे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं है तो मुझे पढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर बात, डन ना। चलिए तो यह कहानी आर्टिकल 32 थी। मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि देखिए मैं क्या करने वाला हूं आप लोगों के साथ में, मैं ये करने वाला हूं कि मैं पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे के सारे आर्टिकल्स करा दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी कराने में फॉर्मेलिटी कराने का कोई मतलब नहीं है। कराओ तो अच्छे से कराओ, मत कराओ तो मत कराओ, अपना तो सीधा सा रूल है। तो अगर एक आर्टिकल से लेकर 395 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराना है तो कम से कम एक घंटा लगेगा। आधे घंटे की ये वाली क्लास हो गई जहां पर मैंने आपको 1 से लेकर के 32 तक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दिए। और एक्चुअली कहानी सिंपल ये है कि फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने यहां पर पूरे बताना पड़ गया, इस कारण से टाइम लग गया। अब मैं जो शाम को 8 बजे क्लास होगी, CHSL वाली जो क्लास होने वाली है अभी जस्ट शाम को 8 बजे, 10 जून है आज ना, अगर बच्चा कोई बाद में देख रहा है तो ध्यान सुना, 10 जून 2019 को ये वीडियो बन रहा है जिसमें शाम को 6 बजे CGL की क्लास हुई थी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाला इवेंट लिखा होगा उसमें पार्ट 1, और CHSL में हो जाएगा पार्ट 2। तो जो बच्चा देख रहा है तो अभी आपने देख लिया क्लास, ठीक 2 घंटे के बाद में इसी वाले चैनल में शाम को 8 बजे CHSL के नाम से क्लास होगी, वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं 32 के आगे से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर बात है? चलिए तो अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज वीडियो खूब शेयर करना है। मैं देखूंगा आज फेसबुक में किसने किसने मुझे वीडियो में टैग किया, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।